हेलो एंड वेलकम टू यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट। गाइस, आप रोज कितने घंटे के लिए पढ़ते हो? शायद एक एवरेज स्टूडेंट 3 से 4 घंटे ही पढ़ता होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे। ओके, लेट्स एडमिट कि 7 घंटों से ज्यादा कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया इस देश के स्टूडेंट 17 घंटे पढ़ते हैं? इसका मतलब अपने दिन का आधे से ज़्यादा समय ये पढ़ने में बिताते हैं। ये सुनकर सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी एग्ज़ाम है जिसके लिए इन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतना सब कैसे एक साथ मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए इनका डेली रूटीन क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ। जिस एग्ज़ाम की हम बात करने वाले हैं वो है सुनियंग, या दूसरे शब्दों में कॉलेज स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, CSAT, जो एक नेशनल ग्रेजुएशन टेस्ट है। ये कोरिया के हाई स्कूल स्टूडेंट्स द्वारा दी जाती है। साउथ कोरिया में ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा ये इस पर ही डिपेंड करता है, यानी आपके पास या फेल होने पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। साउथ कोरिया में इस एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा सीरियस लिया जाता है कि एग्ज़ाम के दिन कंपनीज, बैंक्स, सबवे सर्विसेज, बसेस सब लेट शुरू होती है, सिर्फ इसीलिए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो और स्टूडेंट्स टाइम पे अपने एग्ज़ाम हॉल पहुंच सके। और अगर समझो कोई स्टूडेंट लेट हो भी जाता है तो वो 119 कॉल कर सकता है मदद करने के लिए, आपको डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिलेगी। एग्ज़ाम हॉल के बाहर जूनियर्स और पेरेंट्स खड़े होते हैं स्टूडेंट्स को चीयर अप करने के लिए, हाथ में बोर्ड्स लेके। आपको जान के हैरानी होगी कि इस दिन एयरप्लेन्स भी टेक ऑफ नहीं करती, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है इससे एग्जामिनर्स को डिस्टर्ब होगा। ये एग्ज़ाम पूरी 9 घंटे की होती है, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। उनमें से कुछ है नेशनल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कोरियन हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़ और सेकेंड लैंग्वेज। ये सभी सब्जेक्ट्स आपको एक ही दिन में कवर करने होते हैं। बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है ऑफ कोर्स। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ है और इम्पॉर्टेंट भी मानी जाती है। कई स्टूडेंट्स तो दोबारा इस एग्ज़ाम को देते हैं ताकि इस बार कुछ अच्छा स्कोर कर सके। इसी दुनिया के सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम्स में से एक माना जाता है। अगर ये एग्ज़ाम इतने ज़्यादा टफ है तो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा रूटीन फॉलो करते होंगे इफ़ेक्टिवली पढ़ने के लिए? लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो दिन की शुरुआत होती है 6:30 बजे मॉर्निंग। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं 8 बजे, और पता है स्कूल्स में स्टूडेंट पहले ही पीरियड में सो जाते हैं और उन्हें कोई उठाता भी नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया में एक ऐसा रूल है कि आप स्टूडेंट्स को सोते हुए नहीं उठा सकते, ये अलाउड नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा अजीब सा रूल क्यों बनाया है, तो इनका डेली रूटीन जानने के बाद आप खुद से कहोगे कि सोने दो बेचारे को। बैक टू द रूटीन, स्कूल 4 या 4:30 बजे छुट्टी है, बट स्टूडेंट्स घर नहीं जाते बल्कि जाते हैं लाइब्रेरी में, बिकॉज इट्स याजा टाइम। याजा एक्चुअली में एक आफ्टर स्कूल सेशन होता है, सभी स्टूडेंट्स को अटेंड करना पड़ता है इसे, जो कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। सभी स्टूडेंट्स स्कूल छुटने के बाद यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं, तो 4 से 7 बजे तक कंटिन्यूस सेल्फ स्टडी होती है। फिर 7 बजे एक बेल बजती है एंड इट्स फॉर डिनर टाइम, यहाँ उन्हें फ्री डिनर मिलता है। खाना खाने के बाद 8 से 10 बजे फिर कंटिन्यूस पढ़ाई। 10 बजे फाइनली एक बेल बजती है और अब वो जा सकते हैं, लेकिन ये बेल घर जाने के लिए नहीं है, अभी उन्हें जाना होता है हागवान स्कूल्स में या क्रैम स्कूल्स में, जो साउथ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बच्चों की ट्यूशंस लेते हैं, इन अदर वर्ड्स एकेडमी। हागवान स्कूल साउथ कोरिया में इतने ज़्यादा फेमस है कि इनके टीचर्स बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह पॉपुलर होते हैं। हागवान स्कूल्स में अच्छे से सीखने के बाद फाइनली सभी स्टूडेंट्स घर जाते हैं। जैसे आपने नोटिस किया कि दिन में आधे से ज़्यादा टाइम उनका पढ़ाई में जाता है, इसलिए उन्हें सिर्फ 5 घंटे की नींद मिलती है, इसलिए सब फर्स्ट पीरियड में सो जाते हैं और उन्हें कोई डांटता भी नहीं। ये टेंशन, स्ट्रेस, 17 घंटे की पढ़ाई फाइनली एग्ज़ाम के बाद ख़त्म हो जाती है, जिसकी खुशी ये कुछ इस तरह से मनाते हैं। अपने सारे बुक्स और नोट्स को फाड़ के हवा में फेंक देते हैं। फाइनली इज इट अ हैप्पी एंडिंग? बट वेट, रिजल्ट्स का क्या? पास होने के बाद भी इंटरव्यूज़ में सिलेक्ट होने की टेंशन। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट्स को उनके मॉम डैड क्या गिफ्ट देते हैं? प्लास्टिक सर्जरी। क्योंकि साउथ कोरिया में अच्छे लुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए अपने विजुअल्स को इन्हेंस करने के लिए कई लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर आपको कोई आपके लुक्स पर जज करता है तो ऑफकोर्स ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने एक रूल बना दिया कि इंटरव्यूज़ हमेशा ब्लाइंड होंगे, ब्लाइंड इंटरव्यूज़,
जिसमें इंटरव्यूअर्स और कैंडिडेट्स एक दूसरे के फेसेस ही नहीं देख पाएंगे और कैंडिडेट्स को सिर्फ उनके स्किल्स और टैलेंट के बल पर ही सिलेक्ट किया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।